इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्ल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्स ऑप्शनस सो ऑप्शनस कैन बी ऑफ़ कमोडिटीज़ ऑप्शनस के अंदर आप मेटल्स को भी ख़रीद और फ़रख कर सकते हैं मगर वो ऑप्शनस जिन में जो रेट है प्राइस है उसका तयन स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स को मद्दनज़र रख के किया जाता है ऐसे ऑप्शनस को हम इंडक्स ऑप्शनस कहते हैं नाउ इंडेक्स ऑप्शन आर दोज ऑप्शन ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो जो कि किसी भी इंडेक्स को एज अ बेंच मार्क इस्तेमाल करेंगे अपने जो भी आपने रिटर्न उसके अंदर हासिल करने हैं या उनको तयन करना है या उनके बारे में जानना है उसके लिए एज एन इंडिकेटर हम कोई भी इंडेक्स को एज अ बेंच मार्क ट्रीट करते हैं जैसे आप ले सकते हैं कि हम के एस सी वन हंड्रेड इंडेक्स ले रहे हैं या के एम आई थर्टी के वैल्यू को हम एज अ बेंच मार्क इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ओवरऑल uh, जो रिटर्न हैं उसको मैच करने के लिए या रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तो दिस सच ऑप्शन आर नोन एज द इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन यूजली यूरोपियन स्टाइल के होते हैं यूरोपियन स्टाइल का मतलब ये है कि इंडेक्स ऑप्शन जो हैं या कोई भी ऑप्शनस को हम कब मेचोरिटी डेट के हिसाब से uh, दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं दे कैन बी यूरोपियन स्टाइल एंड दे कैन बी अमेरिकन स्टाइल सो यूरोपियन स्टाइल का मतलब होता है कि वो ऑप्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ तब एक्सरसाइज हों जब उनकी मचोरिटी डेट आ जाए ऐसे ऑप्शंस को हम यूरोपियन स्टाइल ऑप्शनस कहते हैं इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा क्लासीफाई किया है हमने दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं अमेरिकन टाइप ऑप्शनस उसका मतलब ये होता है के मचोरिटी डेट से पहले मचॉरिटी से पहले या एक्सपायरेशन डेट से पहले आप किसी भी वक्त उसको जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं यानी कि उसके ऊपर जो आपने रेट डिफाइन किया हुआ है अगर जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं सो दैट दैट कैन ओनली हैपन इन अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन लेकिन यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में आपको मेचोरिटी डेट का या एक्सपायरेशन की डेट का इंतज़ार करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए नाउ लाइक ऑल द अदर ऑप्शन जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो ऑप्शन हैं उनमें आप कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरन एक्सचेंज रेट की फॉरन एक्सचेंज की uh, कब के लिए इन्वेस्ट invest कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं ऑप्शन के अंडर जो आएगा कॉल या पुट सिमिलरली जब हम कहते हैं कि जो इंडेक्स ऑप्शन हैं लाइक ऑल द अदर ऑप्शन अगैन यू आर गोइंग टू गिव गिव द राइट

तो वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा अगर उसको लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने में नुकसान होता है तो वो कभी भी ऐसी की ट्रांजेक्शन ऐसी की ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता ऐसे के सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे कि जब जो कॉल ऑप्शन वाला है जो इन्वेस्टर है उसने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की मेचोरिटी डेट के ऊपर तो जो ऑफर कर रहा था सेलर अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उसको तो नुकसान पहुंच जाएगा बट देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग उसको फायदा कहाँ से पहुंचता है अगर एक्सरसाइज नहीं हुआ मेचोरिटी डेट के ऊपर ऑप्शन तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने कुछ फी पे की होती है uh, जो बंदा जो जो पार्टी या जो कंपनी या जो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचने चाहता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ जब आप ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट uh, को ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो आप कुछ फी पे करते हैं सो so, अगर आप मचॉरिटी डेट के ऊपर आपने कॉल ऑप्शन लिया है और आपने मेचोरिटी डेट के ऊपर जाके उसको कंप्लीट uh, नहीं किया एक्सरसाइज नहीं किया तो इन दैट केस जो ऑफरर है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो कि पुट ऑप्शन जिसने ली थी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ़ायदा क्या पहुंचेगा कि वो आपकी जो उसने आप आपने उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन करने के वक़्त जो फ़ी पे की थी वो उसको वो उसके अपने पास रख लेगा और वो उसका प्रॉफिट बन जाएगा सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू फर्दर एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स ऑप्शन यूजिंग एन एग्जाम्पल सपोज हम एग्जाम्पल uh, ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो बेंच इंडेक्स है वो स्टैंडर्ड एंड पोअर्स फाइव है पाकिस्तान में हम के 100 को या के एम आई थर्टी को इस्तेमाल करते हैं स्टॉक मार्केट के या शरिया कम्प्लाइंट कंपनीज के फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए कि उनकी उनकी जो स्टॉक मार्केट में जो आ, सेल और परचेज हो रही है उनके स्टॉक्स की उनमें क्या फ्लक्चुएशंस आते हैं उस उस चीज़ को देखने के लिए हम के के एस सी वन हंड्रेड का इंडेक्स देखते हैं लोकल पाकिस्तान में लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके देखते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स फाइव हंड्रेड इंडेक्स तो अब हम मिसाल में स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स को एज अ बेंच मार्क कंसिडर करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में और हमने देखा कि इस वक्त वो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 जो है वो 4,500 पॉइंट्स पे मौजूद है नाउ देर आर टू पीपल वन इज जेन एंड द अदर इज टिम जेन डिसाइड्स टू सेल कॉल ऑप्शन टू टिम विद्राइक प्राइस ऑफ फोर So, अभी जैन जो है वो एक कॉल ऑप्शन टीम को बेचना चाहती है और इस वक्त चूंकि अभी मैंने आपको कहा अगर हम रेफरेंस के तौर पे या बेंचमार्क के तौर पे किसी भी इंडेक्स को लेंगे एज अ स्टैंडर्ड कोई भी कॉल ऑप्शन को या पुट uh, ऑप्शन के लिए तो ऐसे के सिचुएशन में हम उस ऑप्शन को बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला सपोज वन फाइन डे जैन ने कहा कि मुझे कॉल ऑप्शन uh, को सेल करना है और टिम को और उसके ऊपर जो उसने स्ट्राइक प्राइस लिखाया वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड था अगेन इस चीज को डिसाइड करने के लिए उसने इस पैमाने को मद्देनजर रखा है राइट right? इसको बेंच मार्क किया नाउ टिम जो है वो टेन डॉलर की प्रीमियम पे करता है और जब हम ऑप्शन लेते हैं तो उसमें जो एक यूनिट इस्तेमाल होता है वो यूजअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान में भी सौ यूनिट्स सौ शेयर्स का एक यूनिट इस्तेमाल होता है तो आप एक शेयर नहीं ले सकते आप कम अज कम सौ शेयर्स दो सौ शेयर्स तीन सौ शेयर्स मल्टीपल्स ऑफ वन हंड्रेड शेयर्स खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनमें नाउ टिम जो है वो दस डॉलर प्रीमियम पे करके उससे ये कॉल ऑप्शन की जो ऑप्शन है ही विल गो फॉर दैट सो अभी क्या हुआ कि टिम ने ऐसा करने के लिए उसको दस डॉलर का प्रीमियम पे करना था और टोटल सौ सपोज हमने कहा कि उसने स्टॉक्स लिए हैं तो वो एक हजार डॉलर की पेमेंट करता है जेन को नाउ इफ द और दे डिसाइड के सर्टन टाइम पीरियड के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि मेचोरिटी टाइम मेचोरिटी डेट बतानी पड़ेगी डिसाइड करनी पड़ेगी और स्ट्राइक प्राइस को भी डिसाइड करना पड़ेगा इस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर करने से पहले राइट right? तो फिर देर शुड बी दीज टू थिंग्स दैट आर दैट शुड बी नोन टू द टू पार्टीज हु आर साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शन तो अब हमने कहा कि सपोज़ जो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर फाइव हंड्रेड जो है वो अभी पैंतालीस सौ पे बैठा हुआ था इनिशियल लेवल के ऊपर वो उसका वैल्यू ऊपर बढ़ गया है तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो टिम की कॉल ऑप्शन है उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और अगर एस एन पी फाइव हंड्रेड की वैल्यू नीचे चले जाएगी तो ऑब्वियसली जो कॉल ऑप्शन है टिम का उसकी प्राइस

जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल कर गया है उसका जो इंडेक्स की वैल्यू फॉल कर गई है तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जाहिर है उसकी कीमत चली जाएगी नीचे लेकिन अगर वो ऊपर चले जाएगी तो कीमत ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन जो कि टिम ने लिया है जीएन से उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी नाउ वी आर अस्यूमिंग सपोज इट गोज अप टू फ्रॉम फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो आपको याद रहे कि हमने उस टिम ने सौ शेयर्स लिए थे तो हम ये जो डिफरेंस बिटवीन द टू है उसने अदा करने थे फाइव फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अभी जो कीमत इस वक्त हो इंडेक्स की वैल्यू चली गई है ऊपर वो चली गई फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव पे तो इसका हमने डिफरेंस निकाला और जो कि पच्चीस है और इसको हमने सौ से क्योंकि सौ स्टॉक्स उसने लिए थे लॉन्ग कॉल ऑप्शन लेने के लिए उसमें लिखे गए थे तो अभी ये जो 25 है ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी अगर ऐसे पे वो एक्सरसाइज कर लेता है 4525 इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर तो उसको फिर 2500 डॉलर का फायदा हो जाएगा नाउ इफ इफेम चूज इज टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है साइन करके और आपने उसमें अपनी रजामंदी डाली जाहिर की कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया कि Uh, मैं फला तारीख पे इस कीमत पे लेना चाहूँगा राइट आपने ये नहीं कहा मैं लूँगा तो उस केस में अभी इसलिए हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहे हैं ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो बिकॉज यू आर यूजिंग एन ऑप्शन इट इज़ एन ऑप्शन इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन यू तो अभी अगर टिम ने कहा कि मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूँ मैं वाकई इस पर्टिकुलर Uh, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि इस कीमत पे मैं ये वाले सौ शेयर्स को ख़रीदूंगा तो अगर वो एक्सरसाइज कर देता है तो इन दैट केस जेन एंड टिम विल एक्सचेंज मनी टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट हवेवर अगर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन से टिम को नुकसान हो रहा है जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पैंतालीस का इंडेक्स था उस वक्त और अभी वो सपोज पैंतालीस से कम होके फोर्टी टू हंड्रेड चली गई है तो इन दैट केस टीम को नुकसान होगा तो टिम ऐसी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा लेकिन अगर उस इंडेक्स की वैल्यू ऊपर चली गई है तो इन दैट केस ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन और ऐसा करने से क्या हुआ जैसे अभी मैंने हमने नंबर्स लिए थे सपोज इट वॉज फोर्टी फाइव हंड्रेड नाउ इट हैज गॉन अपू फोर्टी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और सो उसने शेयर्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसको आप अगर फोर फाइव टू फाइव पे चली गई इंडेक्स की वैल्यू तो उसको फिर पच्चीस सौ डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा राइट सो दिस इज हाउ यू कैन अर्न और मेक मनी ऑर्न प्रॉफिट और मेक मनी इफ थ्रू द इंडेक्स ऑप्शन और थ्रू द वेरियस डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ ऑप्शन बाय ऑफरिंग पोट ऑप्शन और अ कॉल ऑप्शन